पहली बार यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो इवेंट यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, ये जो इवेंट यहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है पहली बार, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के लिए ये एक इनोवेटिव, ऐसा इनोवेटिव है जो खाली यूथ को एम्पावर ही नहीं बल्कि एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आई एम हियर फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई एम वेरी एक्साइटेड सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हो रही है, जैसा कि स्नो वॉलीबॉल हो रहा है, स्नो क्रिकेट हो रहा है, टग ऑफ वॉर हो रहा है, रग्बी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। कश्मीर में बहुत सारे खूबसूरत एरियाज हैं, ना सिर्फ मुगल गार्डन या गुलमर्ग या पहलगाम, उतने ही खूबसूरत एरियाज जो है और भी है, चाहे हमारा गुरेज है, बंगस है, कोकरनाग है, या हमारा अहरबल है, बड़ी ढोक है, या पथरी है, ऐसे सब एरियाज में उतना ही स्कोप है टूरिज्म का जितना कि गुलमर्ग और पहलगाम में। हम सब देखते हैं कि पिछले साल से जब से कोविड के चलते दूसरे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद हो गए, हवाई यातायात बाधा हो गई, उसके चलते तो काफी टूरिस्ट यहां आ रहा है। इस साल के विंटर में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, कोई भी महीना नहीं है कि जिसमें 1.5 लाख टूरिस्ट एक महीने में आए हैं, वो दिसंबर में आए थे, इस दिसंबर 2021 में। जनवरी में भी वही स्पीड कंटिन्यू रहती है, लेकिन कोविड की थर्ड वेव आई, उससे चलते थोड़ा सा कम हो गया चले, लेकिन जो 80 के पहले हमारा टूरिज्म का जो स्कोप था, अब मुझे लगता है वो फिर से आने जा रहा है। 80 के बाद 89-90 में हमारे यहाँ कुछ एक डिफिकल्टीज के चलते यहाँ का टूरिस्ट जो है हिमाचल, कुल्लू मनाली, शिमला गया और यहाँ टूरिज्म कम हुआ। मुझे लगता है फिर से अमन शांति और जो प्रोग्रेस का दौर शुरू हो गया है, टूरिस्ट फिर इधर रुक करने लगे।